नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर एलेवन थ्री इंटू थ्री टू पा पावर टू एक्स प्लस वन प्लस टेन इंटू थ्री पावर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो वी कैन राइट दिस टर्म एज थ्री इंटू थ्री पावर एक्स डॉट थ्री स्टूडेंट बेसिस सेम हो पावर एड हो जाती हैं अब इसमें क्या है प्लस का साइन है तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं ठीक है फॉर एक्जाम्पल ए पावर X plus y we can write this term as a a power x dot a power y plus ten into three power x plus one equals to zero. Three threes are nine three power two x as it is looking at ten into three power x plus one equals to zero. नौ जिस तरह अभी मैंने आपको आ, टाइप आ, करवाई थी स्टडी करवाई थी टाइप फोर उसमें क्या करते थे लेट ए पावर एक्स को क्या करते थे लेट ए पावर एक्स इक्व टू वाई इधर ए पावर एक्स क्या है हमारे पास थ्री पावर एक्स क्या करेंगे थ्री पावर एक्स इक्व टू वाई अब ये इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा नाइन वाई स्केयर इधर टू भी है तो ये टू आपने लिखना है नाइन वाई स्केयर प्लस टेन वाई प्लस वन इक्व टू जीरो वन नाइन जार नाइन वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज नाइन वाई स्क्र प्लस नाइन वाई प्लस वाई प्लस वन इक्व टू जीरो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है नाइन वाई कॉमन आ रहा है अंदर क्या रह जाएगा वाई प्लस वन प्लस वाई प्लस वन इक्व टू जीरो y प्लस वन को बाहर कॉमन ले लें अंदर क्या रह जाएगा इस टर्म में नाइन वाई प्लस वन इक्व टू जीरो 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 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसमें क्या होता है ए बी इफ ए डॉट बी इक्व टू जीरो देन ए इक्वस टू जीरो बी इक्व टू जीरो इसमें भी क्या आ जाएगा इस प्रॉपर्टी में वाई प्लस वन इक्व टू जीरो नाइन वाई प्लस वन इक्वस टू जीरो इधर से क्या आ जाएगा वाई की वैल्यू वाई इक्व टू वन इधर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइन सॉरी माइनस वन आ जाएगी माइनस वन डिवाइडेड बाय नाइन स्टूडेंट क्वेश्चन में मैंने माइनस साइन की मिस्टेक कर ली थी वो मैंने नीचे जाके ठीक कर लिया अब वाई को हम लोगों ने क्या सेलेक्ट किया हुआ था थ्री पावर एक्स दस थ्री पावर एक्स इक्व टू वाई अभी हम लोगों ने वाई की क्या क्या वैल्यूज फाइंड की हैं वाई इक्व टू वन और वन बाई नाइन सबसे पहले क्या करेंगे वाई को क्या पुट करेंगे वन तो थ्री पावर एक्स इक्व टू वन नौ स्टूडेंट हमें पता है ए पावर जीरो किसके इक्वल होता है वन की इक्वल होता है तो इस वन को हम लिख सकते हैं थ्री पावर एक्स को एज इट इज़ लिखा है थ्री ए पावर ज़ीरो क्यों अभी मैंने आपको वन वन प्रॉपर्टी करवाई थी अगर बेस इक्वल हो मिड में इक्वल का साइन आए देन पावर भी आपस में इक्वल होती हैं तो हमारे पास एक्स का एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्व टू जीरो अब इसकी तरफ आते हैं वाई हमारे पास क्या है थ्री पावर एक्स थ्री पावर एक्स इक्व टू अब कौन सी वैल्यू पुट करनी है वाई की वन डिवाइडेड बाई नाइन अब मैं इसे लिख सकती हूँ थ्री पावर एक्स इक्व टू वन डिवाइडेड बाई थ्री स्केयर क्यों एलसीएम अगर लेंगे थ्री थ्री जार नाइन थ्री वन जार थ्री तो हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री बेसिस सेम और पावर ऐड हो जाती है वन वन स्केयर आ जाएगा थ्री स्केयर आ जाएगा अब नीचे टर्म है जब ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री माइनस टू ठीक है नीचे अगर प्लस का साइन है हम ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा माइनस टू आ गया अब इधर भी अगेन बेस सेम आ गई है तो बेस इक्वल आ गई है, तो पावर भी इक्वल होगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्व टू माइनस टू हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा ज़ीरो माइनस टू